प्रो स्नूकर पाकिस्तान में हम तकरीबन कोई ऑफिशियली 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक हमारे प्रो स्नूकर के जितने भी इवेंट हुए हैं, लास्ट इवेंट हमने जो किया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीम इवेंट था, पूरी दुनिया का प्रो स्नूकर ने किया है। पूरे पाकिस्तान से 24 टीमें पार्टिसिपेट की थी उसमें, और तकरीबन हमने प्लेयरों की और सारी जो टोटल प्राइज मनी थी वो तकरीबन 86 लाख बनती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम पैदा हो रहा है, और इस ये टूर्नामेंट में मैंने लाइव किया हुआ था, 1.4K तक 1400 तक लाइव व्यूअर गया था, और पोस्ट रीच इसके भी मैं देख रहा था वो 50,000 से ऊपर चले गई है। तो ये देखें इस तरह बैरियर टाउन या जिस तरह से बाकी सोसाइटीज काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे ऐसे गार्डन्स जो मतलब उसने प्रॉपर स्नूकर को जो है ना ऑन किया है, और मंथली बेसिस पे उसकी रैंकिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो इन्होंने प्रो स्नूकर और ऐसे गार्डन्स की शर्ट्स पहनी थी जो मतलब के स्पॉन्सर्ड है इनको। तो दोनों फाइनलिस्ट को पहले मैं इमरान भाई को बुलाऊंगा, वो आए। बाबर आजा भाई आप आए ऑन द बिहाफ ऑफ ऐसे गार्डन्स एंड प्रो स्नूकर, और इमरान भाई के लिए और मिठू जाट के लिए फाइनलिस्ट के लिए 10,000 ईच का जी प्राइज है। आप आए इमरान भाई। ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि हमारे प्लेयर्स को हमारे प्लेयर्स की अप्रिसिएशन हो उनके घर। प्रो स्नूकर का ऐसे गार्डन्स का एम ये है कि हमारे प्लेयरों के घर चूल्हा जलेगा तो हमारे पाकिस्तानी फ्लैग की इज्जत के लिए वो खेलेंगे, ज्यादा एफर्ट करेंगे। और दूसरे जो फाइनलिस्ट हैं अवैस मिठू, 10,000 रुपीज प्रो स्नूकर और ऐसे गार्डन्स की भी स्पॉन्सर्ड शर्ट जो हमने इनको बना के दी थी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी जितने टूर्नामेंट्स हों हम लोग प्लेयरों के लिए इस तरह के छोटे छोटे पैकेजेस जिनसे जो है ना वो उनका प्लेयरों का थोड़ा बहुत सिस्टम चल सके। और इसी तरह सेमीफाइनल में फरहानूर और हमजा खालिद, इन दोनों ने भी शर्ट पहनी थी, फरहानूर के भी आप पे इमरान भाई आ जाए। 5,000 सेमीफाइनलिस्ट को भी हम लोग दे रहे हैं ये फरहानूर के भी आप पे। और हमजा खालिद जो कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल एक ब्लैक बॉल मिस की, अदरवाइज 10,000 का हाईएस ब्रेक भी जाता है इनको। वेरी वेल प्लेड हमजा। ये 30,000 के कैश प्राइजेज हैं ऐसे गार्डन्स और प्रो स्नूकर की तरफ से। और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी बैरियर टाउन की टीम को। ये लोग स्पोर्ट्स लवर है, हमारा जो वर्ल्ड चैंपियन था जिस वक्त वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, गवर्नमेंट ने उसके लिए 10 मिलियन का अनाउंस किया था जो उसको नहीं मिले, लेकिन बैरियर टाउन ने टोयोटा क्रोला जो गाड़ी है वो मोहम्मद आसिफ को दी थी। और जब वो दूसरी दफा मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्लैपिंग होनी चाहिए बैरियर टाउन के लिए। और 2019 में जब आसिफ जीत के आया, और यूसुफ भाई पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड टाइटल लेके आए थे 1994 में, तो तब से लेके यूसुफ भाई को 2019 25 साल में उन्हें किसी ने एक रुपया नहीं दिया। तो हमारे इवेंट में हमने एक 10 मरले का प्लॉट यूसुफ भाई को दिया था और एक 5 मरले का आसिफ को दिया था। तो इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमारी सोसाइटीज हैं जो वेल ऑफ हैं, इसका इससे ये होता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है। एक दफ़ा फिर से बैरियर टाउन फंडन का और पूरी टीम ने जितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया है, मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको इस तरह के इवेंट कराने में और हिम्मत दे ताकि हमारे प्लेयरों के घरों के चूल्हे जलते रहे और उनके घर प्राइज मनी आ जाती रहे और वो पाकिस्तान के फ्लैग को लेके पूरी दुनिया में जाए। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट